नमस्कार, मैं मुकेश मौर्य और आज हम मौजूद हैं गनपी गांव में, जहां पर कुछ दिन पहले, दो दिन पहले लगभग धरना प्रदर्शन हुआ था। और यह धरना प्रदर्शन इसलिए हुआ था क्योंकि यहां पर एक बच्चे का अपहरण होता है और उसको दो दिनों बाद उसकी लाश मिलती है कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में, जिस पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हैं यहाँ के लोग और बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरा परिवार गमगीन है, वो ये सोच नहीं पा रहा है कि हमारे बच्चे को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। फैमिली यहाँ पर बैठी हुई, उनके परिवार पूरा बैठा हुआ, बहुत ही दुख का माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे को ना तो कोई मीडिया उठा रहा है और ना ही कोई पत्रकार यहाँ पर इनके दुख को पूछ रहा है। अगर ऐसी पत्रकारिता या ऐसी चीजें इस समाज में होंगी तो कौन इनके लिए बोलेगा। अगर आज यहीं पर कोई बड़े घर का होता या कोई सक्षम परिवार होता तो शायद आज ये जांच अब तक हो चुकी होती और इसका खुलासा भी हो चुका होता, लेकिन अभी इस मुद्दे पर कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, ना ही इन्हें न्याय की प्रक्रिया हालांकि चल रही है। पुलिस की कार्यशैली पर मैं आवाज नहीं उठाता, वो कार्यशैली चल रही है, लेकिन आज हम गांव में आए हैं और जानना चाहेंगे कि क्या इसके पीछे का कारण रहा। देखा जाए जी, इतना वो जेंटल था, इतना जीनियस रहा है, सिर्फ अपना काम अपने वो जिस भी तरह से उसको बुलाया जाता था, हर आदमी को संतुष्ट करके ही रखता था, विवाद का कोई कारण ही नहीं बनता है। मेहनती लड़का था, हर तरीके से सपोर्ट करता था, दादाजी भी उसकी दुकान पे हमेशा जाते थे, शाम सुबह जाते थे, ऐसा कुछ उसका मतलब कभी सुनने को नहीं मिला। नहीं, कोई सवाल ही नहीं। हमें तो सिर्फ इस बात का है कि अच्छा ये धरना प्रदर्शन भी ना होता, सिर्फ इसलिए कि सुबह जब ये लाश यहाँ से उठाई जाती है तो पेपर कोई लेके आता है, बोलते आत्महत्या है। अच्छा, आत्महत्या है, तब उस पर जनता पर जनता आक्रोशित हुई। हम तो यहाँ आ भी नहीं पाए थे, हमारा इतना उसका नजदीकी मामला है, ये हमारी बाग लेकर के 8-10 साल से जुड़े हुए हैं, हमारा इनका पारिवारिक संबंध इनके बाबा वगैरह से भी रहा है पहले से ही, और उसी बेस पे मामला चला रहा बाग में। और कपड़े जब उसके बताए जा रहे हैं, कपड़ा यहाँ से कौन सा पहन के गया है, उसके बनियान तो नजर आती है कि बनियान है घर की। अच्छा, बाकी जितने कपड़े हैं उसको कहीं ना घर वालों को क्या ये नहीं मालूम कि हाँ हमारे बच्चे के पास क्या कपड़ा है, और वो कपड़ा या अन्य कोई भी चीज बिना बाप या माँ के कोई भी अपना काम नहीं करता था, इनकी सलाह से ही, इनके सोच में। और वो लड़का इन भाइयों में अन्य में कोई ऐसा नहीं था कि उसके बराबरी ले सके। तो जो जैसा कि लोगों का कहना है, बहुत सारा आक्रोश है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये अफवाह बताई गई कि उसने आत्महत्या किया, इस पे भी सवाल उठता है कि कैसे इस मैटर को भ्रमित किया गया, लोगों के बीच में डाला गया कि आत्महत्या का मैटर है, लेकिन ये आत्महत्या का मैटर नहीं है। जो प्रशासन की तरफ से कहा गया कि धरना प्रदर्शन क्यों किया गया है, तो उसका जवाब भी इन लोग के पास है कि सुनवाई नहीं हुई, लोगों ने इसे आत्महत्या करार दिया, उसके बाद इन लोगों ने मजबूर होकर धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हुए, तब जाकर पुलिस प्रशासन इस चीज पर दौड़ कराती है और इस पर कार्रवाई करने का आदेश देती है। जिला प्रशासन से और यूपी सरकार से मैं मांग करता हूं और पूरी यहां की जनता मांग करती है कि इस काम पर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए। यहाँ रहा लड़का बेटवा, न किसी के लेने न किसी के देने बेटवा, बस वो जाए मर रहा है और चले आवे को जन्म न करे। ये बहुत अच्छा लड़का रहा, हमका सबको खुद अफसोस है, बस साहब न्याय चाहिए हमका, बस यही मैं मांगी थी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, योगी सरकार बोलती है मैं यूपी से गुंडा समाप्त कर दी, ये गुंडागर्दी अगर नहीं होती तो हमारा भाई कैसे यहाँ से उठकर चला जाता। हाँ योगी यार, योगी सरकार सो चुकी है क्या? योगी सरकार बोलती है मेरा पुलिस जो है 24 घंटा अलर्ट रहती है, कहाँ अलर्ट रहती है? हाँ उसका हत्या हो जाता है 3 दिन जमुनापुर चौराहे पे पुलिस नहीं रहती। अगर अभी किसी के विधायक का लड़का खत्म कर दिया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे डीएम एसडीएम कोतवाल क्या तो क्या, यहाँ पे अब तक सीआईडी लग जाती। एक गरीब कला गरीब आदमी हम लोग, इसके लिए एक कार्रवाई नहीं हो रही। मैं यूपी सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ, जो योगी सरकार बोलती है मैं गुंडों को सफाया कर दिया, कहाँ का सफाया है? तो ये आक्रोश है, उनके बड़े भाई हैं, उनका ये आक्रोश है। ये सत्य बात है कि अगर आज ये किसी विधायक या मंत्री का लड़का होता तो यहाँ जांच 2 दिन में बैठ जाती, अब तक हो सकता है सीबीआई इस पर जांच आवाज उठा देती, लेकिन यहाँ पर अभी तक आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चीजें ऐसी हुई हैं। तो आक्रोश जैसा कि देख सकते हैं, पूरा गांव यहाँ पर मौजूद है।
तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर गरीब आदमी है तो गरीब को भी न्याय क्यों नहीं मिलता, ये सवाल है।